एमएस धोनी ने दिया आईपीएल 2022 से जुड़ा दिल तोड़ने वाला बड़ा बयान और क्रिएट कर दिया गजब का सस्पेंस और फैंस को दिया बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के एक नए वीडियो में। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में साल 2020 के खराब प्रदर्शन के बाद 2021 में किंग को चौथी बार चैंपियन बना दिया। धोनी की इस बड़ी सफलता के बाद सबके दिमाग में यही चल रही है कि वो अगले साल यानी 2022 में सीएसके के द्वार शायद रिटेन किए जाएंगे और एक बार फिर से पीली जर्सी में जराएंगे। हालांकि सीएसके की तरफ से कुछ बयान बीच में ऐसे भी आए जिससे यही लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जो उनके प्रशंसकों को शायद निराश करने वाला है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को बयान दिया कि वो अगले साल आईपीएल सीजन 2022 में सीएसके के लिए खेलेंगे या नहीं इसके बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगले सीजन के शुरू होने में काफी वक्त है, ऐसे में उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। चेन्नई में एक इवेंट के दौरान धोनी ने कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा क्योंकि अभी बहुत समय है, अभी भी हम नवंबर में है, इसलिए आईपीएल 2022 में खेला जाएगा। धोनी के इस बयान से साफ लग रहा है कि अब वो आईपीएल 2022 में खेलेंगे या नहीं फिलहाल ये तो कुछ तय नहीं लग रहा है, यानी कुछ भी हो सकता है कि वो मैदान पर दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते। धोनी ने मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये बीसीसीआई पर निर्भर करता है, दो नई टीमों के आने लिए और हमें यह तय करना है कि सीएसके के लिए क्या अच्छा होगा, यह मेरे सिर 3 या 4 में होने के बारे में या नहीं है। यह एक मजबूत कोर ग्रुप है और इसके बारे में फ्रेंचाइजी को नुकसान ना हो। कोर ग्रुप हमें ये देखने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है कि अगले 10 वर्ष में कौन योगदान दे सकता है। मेरा आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच रांची में था और मैं आखिरी T20 मैच में चेन्नई में ही खेलूंगा, ये अगले साल भी हो सकता है और अगले 5 साल में भी हो सकता है। दोस्तों, आज के अपडेट्स में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।